एवरीवन, माय नेम इज़ दीपा शिकरवार और आज हम क्लास सिक्स का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, उसके फंडामेंटल्स के बारे में, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। यहाँ कंप्यूटर की छोटी सी एक डेफिनेशन दी गई है। द टर्म ऑफ कंप्यूटर इज़ अ डिराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म ऑफ कंप्यूट। दिस मीन्स टू कैलकुलेट और प्रोग्रामेबल मशीन। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर के लैटिन शब्द से हुई है जिसका मतलब प्रोग्रामिंग मशीन या गणना करने से होता है। प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, हम इसे दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए या अपने दिन भर के कार्यों को सही तरीके से करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए और उनको सही तरीके से करने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर फर्स्ट है आपका इसमें स्पीड। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ द मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों निर्देशों का पालन या डेटा प्रोसेसिंग बहुत ही तेज गति से कर सकता है। सेकेंड है आपका इसमें एक्यूरेसी। कंप्यूटर प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। दे रेस्पॉन्स टू द यूज़र एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर उच्च स्तर की यथार्थता प्रदान करता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता या यूज़र के प्रत्येक इनपुट आदेश के प्रति प्रतिक्रिया देता है। थर्ड है आपका इसमें स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर्स आर कैपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क। कंप्यूटर बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित करके रखने में समर्थ होता है जो कि हार्ड डिस्क की क्षमता पर निर्भर करती है। फोर्थ है आपका इसमें ऑटोमेटिक। वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर द कंप्यूटर डज इट वर्क ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ। एक बार जब हम कंप्यूटर को किसी कार्य करने के लिए आदेश देते हैं तो उसी कार्य को कंप्यूटर दोबारा स्वयं ही कर लेता है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर को एक बार कोई भी निर्देश या कोई भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो अगर वही कार्य हम दोबारा कंप्यूटर पर करते हैं तो कंप्यूटर अपने आप ही उस कार्य को पूर्ण कर देता है। नेक्स्ट है आपका इसमें डिलीजेंसी, मतलब परिश्रम या लगन। नेक्स्ट है आपका इसमें डिलीजेंसी। अनलाइक ह्यूमन बींग्स अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मॉनिटरिंग ट्राइडनेस लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर्स। जिस तरीके से मनुष्य को कोई भी कार्य करते करते थकान हो जाती है, ऊब जाता है मनुष्य, उस कार्य को करने में उसकी एकाग्रता नहीं रहती है, वहीं कंप्यूटर इन सब चीज़ों से मुक्त है। वह कई घंटों तक बिना किसी गलती के किसी भी कार्य को बिना किसी गलती के आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट है इसमें नो आईक्यू। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी वर्क। इट कैन टेक एनी डिसीजन इन ओर्स ओन। इसका मतलब है कि कंप्यूटर के पास अपना कोई भी दिमाग नहीं होता है, वह हमेशा यूज़र के दिमाग के अनुसार कार्य करता है। जब तक यूज़र इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक यह कोई भी डिसीजन या कोई भी कार्य नहीं करेगा। सेकेंड है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, मतलब कि जैसे कि अगर आप देखते हैं कभी कभी कि मौसम ख़राब हो जाता है तो कंप्यूटर के नेटवर्क्स वगैरह चले जाते हैं, इसका पर्यावरण का भी इस पर बहुत असर पड़ता है कि ख़राब मौसम होने की वजह से कभी कभी देखा गया है कि नेटवर्क नहीं आते हैं तो काम रुक जाता है, कई जगह पर काम नहीं हो पाता, तो नेटवर्क की वजह से इन्वायरमेंट की वजह से इसमें कई दिक्कतें आ सकती हैं। थर्ड है आपका नो फीलिंग। कंप्यूटर हैव नो फीलिंग और इमोशंस। कंप्यूटर के पास कोई भी फीलिंग्स या इमोशंस नहीं होते हैं। ये मतलब यह कोई भी जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमें टेस्ट होता है कि ये खाना नमकीन है, मीठा है, या हमें जैसे दुख होता है तो हम रोते हैं, खुशी होती है तो हंसते हैं। इसके पास ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, इससे कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है, यह विदाउट फीलिंग होता है। आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसमें आपको घर से तीन क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट है डिफाइन द टर्म ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड है राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। थर्ड है राइट डाउन द डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।